खबर शिवगढ़ रायबरेली से, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिवगढ़ में कोविड 19 टीकाकरण का क्रम जारी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक राजेश गौतम के अनुसार लगभग एक हफ्ते से टीकाकरण 45 से 60 वर्ष आयु से अधिक लोगों को लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिले में टॉप समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में शिवगढ़ का नाम आ रहा है, जहां आज 120 लोगों का टीकाकरण होना था। वहीं उप स्वास्थ्य केंद्र देहरी पर टीकाकरण 109 लोगों को, उप स्वास्थ्य केंद्र नेथुआ पर 70 लोगों को, शिवगढ़ पर 140 लोगों को, गुढ़ा पर 50 लोगों को, कुल मिलाकर 69 लोगों का टीकाकरण किया गया। लगभग टारगेट से 3 गुना अधिक टीकाकरण हुआ। अधीक्षक ने यह भी बताया कि जब से पूर्व MLC राजा राकेश प्रताप सिंह के द्वारा भाजपा सहायता बूथ लगाया गया, तब से क्षेत्र में जागरूकता ज्यादा तादाद में फैल रही है, जिसका असर देखने में नजर आ रहा है। भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा जनमानस में जागरूकता फैलाने का काम किया जा रहा है। यही नहीं, जिन लोगों का टीका लग जाता है तो भाजपा सहायता बूथ भाजपा की ओर से बिस्किट, चाय, फल, सैनिटाइजर, साबुन, यह सब लोगों को दिया जाता है। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनका उत्साहवर्धन किया जाता है। भाजपा मंडल अध्यक्ष डॉक्टर जीवी सिंह, मंडल उपाध्यक्ष दिनेश सिंह, दुर्गा वाहिनी ब्लॉक संयोजिका टीनू चंद्रा, सुमित वर्मा, किरण त्रिवेदी, मंडल उपाध्यक्ष विजय सिंह, मंडल मंत्री वीरेंद्र सिंह, सेक्टर संयोजक राम शरण तिवारी, सेक्टर संयोजक अरविंद त्रिवेदी, मंडल मंत्री दिनेश रावत आदि लोग मौजूद रहे। शिवगढ़ रायबरेली से संतोष जायसवाल की रिपोर्ट।